Hey guys, welcome to my YouTube channel Crazy Vlogs. तो आज हम जाने वाले हैं धुबरी रूपसी एयरपोर्ट देखने के लिए. तो हमारे साथ आज है अपना साइदुल भाई, साइदुल क्रिएटर, और यहाँ पे है अपना मनोहर भाई. भाई हाल चाल बोलो, सही हो ना? और यहाँ पे जैनल भाई जो नहीं जाने वाला. तो आज हम जाएंगे चार जोन या पांच जोन, और थाने के वहाँ पे एक फ्रेंड है फ्रेट, जिसका नाम है अगले ब्लॉक में नहीं था वो. तो आप लोग देखिए, आज एंजॉय कीजिए. और हमारे साथ है जुएल भाई. जुएल भाई जाने वाला ही, अभी तक रेडी नहीं हुआ. सुबह 9 बजे ही मैंने बोला था भाई रेडी हो जाओ, लेकिन अभी 11:30 बज रहा है, लेकिन अभी तक रेडी नहीं हुआ. भाई इतना लेजी क्यों हो तुम? तो हम निकल गए और यहाँ से सीधा जाएंगे विश्वनाथ के वहाँ पे. विश्वनाथ से वहाँ पे एक फ्रेंड है जो मैंने बोला था आपको, फ्रेंड है, उसे उठा के सीधा हम जाएंगे. और यहाँ पीछे है साइदुल भाई. मैंने सिप्स लाया था और साइदुल भाई ने बोला कि मुझे नहीं, सब सही है. वो देखो सब लेके पीछे बैठ गया, हमें एक भी नहीं दे रहा. इतना मतलब सातों जन्म से भूखा ही है. और अपना जुएल भाई तो कुछ बोलता ही नहीं है, बस यार. और अपना मनोहर भाई ये कुछ भी ध्यान नहीं देके ड्राइविंग में फोकस कर रहा है. मजा आ गया भाई. भाई गाना लगाओ. तो गाइस हम यहाँ पे पुलिस पॉइंट में पहुंच गए, लेकिन अभी तक मैं वो फ्रेंड नहीं आया, उसके लिए वेट कर रहे हैं अभी. और मैंने फोन किया था अभी, उसने बोला मैं टोटो पे उठा, तो आने में 5 मिनट लगेगा. तो हम यहाँ पे अभी वेट करेंगे उसके लिए, तो देखते हैं क्या होता है. तो गाइस उसने 5 मिनट बोला था, लेकिन 15 मिनट हो गया अभी तक नहीं आया. तो वो आने के बाद हमारा जर्नी स्टार्ट होगा. तो अभी एक फोन करूंगा उसके. साइदुल भाई फोन कर लिया? कहाँ पे है वो? आ रहा है ना? तो अभी थाने के वहाँ पे है, मतलब 3-4 मिनट और लगेंगे. तो अपना हीरो आ गया, जिसके लिए हम डेढ़ घंटा तो नहीं, जिसके लिए हम 15 मिनट तक वेट करते रहे. फाइनली वो आ गया, अपना फ्रेट भाई. फ्रेट भाई आपने बहुत देर कर लिया भाई, क्या करें, सिचुएशन ही कुछ ऐसा था. ए दिल है मुश्किल, आज भी ख्याल तेरा सोने ने देता, आज भी मुझे किसी का होने ने देता, आंखों में समंदर भर के देखूं. अभी हम बोगड़ी बारी क्लोज हुए और साइदुल भाई के पेट में चूहा दौड़ रहा था, तो इन्होंने 3 सीट्स अकेला ही खा लिया, और जुएल भाई का खा लिया, फ्रेट भाई का खा लिया, मेरा भी खा लिया, 3 भी खा लिया, और ये अपना एक बचा था मनोहर भाई खा रहा है. तो साइदुल भाई के लिए क्या करता है भाई, मेरे को भी नहीं दिया. इतना खाता है भाई, इतना भुक्कर है, बचपन से भुक्कर है. वो देखो पीछे तीन, वो देखो 2 सीट्स और खा रहा है. क्या ही बोलूं भाई, दो मेरे को दो यार, मुझे खाना है यार. साइदुल भाई क्या बोलना चाहते हो आप? ये तो और चीज पसंद है, जैसे जनता कर रही है. मैं खाऊंगा ना, एक दे दो यार. तो गाइस ये है पानबारी का डिसोंग रिजॉर्ट. डिसोंग रिजॉर्ट यहाँ पे है, तो यहाँ पे कुछ ढाबा सिस्टम है, और यहाँ पे लोग यहाँ पे फोटो शूट कर रहा है, देख सकते हैं आप. तो ये है डिसोंग रिसोर्ट यहाँ पे. तो गाइस फाइनली 1 घंटे के सफर के बाद फाइनली वी आर हियर इन गोरीपुर. गोरीपुर पहुंच गए हम, और फ्रेट को भूख लग रहा था, उसने बोला कि भूख लग रहा है भाई. और यहाँ पे साइदुल भाई और जुएल भाई पता नहीं किसके साथ बिजी है यहाँ पे फोन पे. और लगता है जुएल भाई को गर्लफ्रेंड ने फोन किया, तब से बिलासी बरस से फोन में बिजी है, बात में, मतलब हमसे बात करने की टाइम ही नहीं मिलता उसे, पता नहीं लड़की का चक्कर है. तो गाइस फाइनली हम यहाँ पे रूपसी एयरपोर्ट के बहुत नजदीक आ गए, और यहाँ पे अपने मनोहर भाई को, मनोहर भाई गए यहाँ पे यूरिन करने के लिए. तो अपना साइदुल भाई और जुएल भाई यहाँ पे गाड़ी में है, और पता नहीं फ्रेड भाई को क्या हुआ, वो थोड़ा उल्टी करने के लिए निकाल गया. तो हम लोग रूपसी एयरपोर्ट के बहुत ही नजदीक है, तो साइदुल भाई बहुत एक्साइटेड है, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ. तो साइदुल भाई वहाँ पे जाकर उल्टा उल्टा हरकत मत कर देना, ठीक है, नहीं तो फाइन लगेगा भाई. तो
मैं रूफी एयरपोर्ट में जाके आप लोगों को सब कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा। पता नहीं वहाँ पे कैमरा अलाउ करता है कि नहीं, अगर करता है, अगर कैमरा अलाउ करेगा तो मैं आपको सब कुछ एक्सप्लोर करके अच्छे से दिखा दूंगा, बस आप लोग मेरे साथ रहना। तो गाइस फाइनली हम यहाँ पे रूफी एयरपोर्ट के यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे एक टोल गेट था, वहाँ पे मैंने पूछा था कि प्लेन कब आएंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि अभी 11 बजे एक प्लेन गया है, अभी नहीं है, 3 बजे के बाद एक प्लेन है, लेकिन हम यहाँ पे अभी 1 बजा है तो हम वेट करेंगे, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, अगर आएगा तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। तो चलिए एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं। गाइस आप देखिए यहाँ पे कोई भी कसरा दूसरा नहीं मिलेगा आपको, कितनी क्लीन जगह है यहाँ पे, यहाँ पे आके कोई सो भी सकता है यार। गाइस यहाँ पे बहुत मधुमक्खी है, पता नहीं हमारे से ये लोग गुस्सा हो गए शायद। गाइस हम अभी एयरपोर्ट के बाहर है, लेकिन एयरपोर्ट के अंदर नहीं जाने देता, जो कि काउंटर है वो सब वहाँ पे दिखाने नहीं देता, तो बस इतना ही एक्सप्लोर करूँगा। तो गाइस रूफी के एयरपोर्ट के अंदर जाने नहीं दिया, तो मैंने जितना आपको दिखाया बस इतना ही दिखा था, और ज्यादा कुछ दिखाने नहीं दिया, तो अंदर भी जाने नहीं दिया, बस आज के लिए इतना ही एक्सप्लोर किया। तो गाइस हम रूफी एयरपोर्ट से घूम के आप पे सबका भूख लगा था, तो यहाँ पे हम खाएंगे। तो गाइस फाइनली खाना पीना हो गया, और अभी हाथ धो के हम सीधा जाएंगे घर में जाएंगे। तो आज के ब्लॉग बस इतना ही।